वेजिटेबल मंचूरियन उत्तर भारत में सबसे पसंदीदा व्यंजनों में से एक है। इसका अनोखा स्वाद हमारे मुंह में पानी भरने के लिए काफ़ी है। मंचूरियन एक चाइनीज व्यंजन है जिसे तले हुए चावल या नूडल्स के कॉम्बिनेशन के साथ परोसा जाता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आई हूँ मंचूरियन की सबसे आसान रेसिपी। फटाफट बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पत्ता गोभी को बॉयल कर लिए हैं हल्के से, और फूल गोभी को भी पानी में नमक डालकर डालेंगे। फूल गोभी के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, इसे भी थोड़ा सा बॉयल करेंगे। बस सॉफ्ट करना है गोभी को। तो बस ये भी बॉयल हो गया है। अब एक बाउल में पत्ता गोभी डालेंगे, इसमें कद्दूकस किया हुआ गाजर, गोभी, टमाटर, प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटी लहसुन और कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच ऐड करेंगे। 2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। इसे मिक्स करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सब्जियों में जो मॉइस्चर रहता है उसी में ये अच्छे से बन जाएगा। अगर आपका मिक्सर नहीं बन रहा है तो इसमें थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। इसका बॉल्स बनाएंगे और इसे तुरंत फ्राई करेंगे। इसे तलने के लिए तेल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखे थे। तेल का टेम्परेचर मीडियम चाहिए, हाई फ्लेम पर नहीं तले, नहीं तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम रखे। मीडियम फ्लेम पर ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो ये हमारा मंचूरियन फ्राई हो गया है। तो सेम प्रोसेस से बाकी के सारे मंचूरियन फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे मंचूरियन फ्राई कर लिए हैं। अब हम सॉस तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच रेड चिली सॉस, 2 चम्मच केचप डालेंगे और 1 चम्मच विनेगर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस में। कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है। हम इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च डालेंगे। लहसुन का इस्तेमाल मंचूरियन में ज़्यादा होता है। सब्जियों को 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। सब्जियों में जो क्रंच है वो बना रहना चाहिए। तो यहाँ हम सब्जियों को भून लिए हैं और अब हम इसमें डालेंगे सॉस। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और पानी मिलाकर इसका घोल बना लेंगे। इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, कॉर्नफ्लोर से इसकी ग्रेवी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने ये घोल बनाकर रख लिए है। अब इसमें कॉर्नफ्लोर का घोल डालेंगे। इसे अच्छे से मिला देंगे। ये मंचूरियन नूडल्स के साथ या फिर फ्राई राइस के साथ एकदम परफेक्ट जाता है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि सारे सॉस में नमक रहते हैं। नमक आप अपनी मात्रा में डालिएगा। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर डालकर मिलाएंगे। अब मंचूरियन का स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। तो ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें डालेंगे मंचूरियन बॉल्स। मंचूरियन बॉल्स डालने के बाद इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। तो वेज मंचूरियन बनकर तैयार है। आप इस मंचूरियन को फ्राई राइस या फिर नूडल्स के साथ खाएं। सुपर हॉट ग्रेवी वाली मंचूरियन तैयार है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।